कैसे हैं आप। वेलकम यू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना आलोक इंडियन आज आपको एक बार फिर से ले चलता हूं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति एवं उसके वितरण में। यह सीरीज का वीडियो नंबर 9 और आज आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ओके, बट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा प्लेट क्या होता है, बिकॉज बिना प्लेट को जाने आप प्लेट टेक्टोनिक समझ ही नहीं सकते हैं। तो पहले समझेंगे प्लेट क्या होता है, फिर समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, आगे देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित कौन कौन से फिनोमिना हैं। ओके, और विश्वास मानिए अगर आप प्लेट टेक्टोनिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कहाँ ज्वालामुखी आएगा, कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ पे रिजेस पाए जाएंगे, कटक पाए जाएंगे, कहाँ पर ट्रेंचेस गर्त पाए जाएंगे। बहुत सारी फिनोमिना को आप आसानी से डिस्क्राइब कर पाएंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले सीखते हैं प्लेट क्या होता है, बेसिक से चलते हैं। ठीक है, तो जो शब्द प्लेट है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने 1956 में किया। किसके संदर्भ में? पृथ्वी के संदर्भ में प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने 1956 में किया, ना कि खाने वाले प्लेट के बारे में। ठीक है, तो आपको अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि पृथ्वी के संदर्भ में प्लेट होता क्या है। तो बिल्कुल पहले हम वही सीखते हैं। तो आपने जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना को पढ़ा होगा, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का जब आपने स्टडी किया होगा, तो आपने देखा होगा कि कई गुणों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना को विभाजित किया जाता है, जिसमें से तीन प्रमुख हैं। पहला है उसका फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन, जिसमें आपने पृथ्वी की यांत्रिक संरचना को क्रस्ट, मेंटल, कोर और उसके बाद उसको सब डिवीजन में अपर कोर, लोअर कोर आदि सब में डिवाइड किया। उसके केमिकल गुणों के आधार पर उसका केमिकल विभाजन किया, मतलब भौतिक सॉरी रासायनिक विभाजन किया, जिसमें आपने क्या सियाल, सीमा, नीफे आदि में विभाजित किया। और मैकेनिकल डिवीजन, यांत्रिक विभाजन को हम अभी समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले भौतिक विभाजन को देख लेते हैं, फिजिकल डिवीजन को देख लेते हैं। तो आपने क्या देखा था कि जो हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है, आप विभिन्न परतदार संरचना पाते हैं और उनके गुणों के आधार पर आपने उसका भौतिक विभाजन किया। तो आपने बताया कि जो सतह से 30 किलोमीटर की जो मोटाई होती है, औसतन एवरेज में हम बता रहे हैं आपको, 0 से 30 किलोमीटर की जो मोटाई होती है उसको आपने क्रस्ट का नाम दिया। फिर आपने बताया कि 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का जो मोटाई होता है उसको आपने मेंटल का नाम दिया। फिर आपने बताया कि 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर की जो थिकनेस होती, मोटाई होती है, उसको आपने कोर का नाम दिया। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं ना ये फिगर किस चीज का है। जैसे हमारा पूरा पृथ्वी है तो इसका ये जो हिस्सा है वो हमारा ये भाग है। ठीक है, और आपको पता होगा कि अगर ये हमारे सरफेस से रेडियस तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यहां पे जो संरचना होगी वो पूरी पृथ्वी की संरचना है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे यहां क्रस्ट, तो ये पूरी पृथ्वी पर इस मोटाई में क्रस्ट पाया जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स दैट आपको क्रस्ट समझ में आ रहा है, मेंटल समझ में आया, कोर समझ में आया, बट मेंटल में थोड़ा सा और जानना है कि जैसे मेंटल की शुरुआत होती है 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, बट इसी मेंटल में 200 किलोमीटर से लेकर के 360 से 400 किलोमीटर के मध्य जो होता है एक एस्थनोस्फीयर दुर्बलता मंडल पाया जाता है। चूंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसलिए आप इसको भौतिक विभाजन में भी पढ़ें, जबकि ये यांत्रिक रूप से विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो दुर्बलता मंडल है वो यांत्रिक विभाजन का भाग है, लेकिन आपने फिजिकल डिवीजन में भी इसका नाम सुना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप यहां पे समझ पाए कि 0 से 30 क्रस्ट है, फिर 200 से 360 40 या 400 के बीच में जो होता है वो एस्थनोस्फीयर है, जो कि हमारे मेंटल का भाग है। अब यांत्रिक विभाजन को हम कोरिलेट करते हैं, तो जो लिथोस्फीयर होता है, पहला कौन सा पार्ट आएगा, लिथोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर होता है वो क्रस्ट को पूरा कवर करता है। देखिए लिथोस्फीयर में क्या क्या आ रहा है, पूरा क्रस्ट आ रहा है, साथ ही साथ मेंटल का वो हिस्सा आ रहा है जो 200 किलोमीटर से ऊपर है, मतलब कि 30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक का जो मेंटल वाला हिस्सा है वो हमारे लिथोस्फीयर में आता है। इट मीन्स दैट एस्थनोस्फीयर के ऊपर का जो भी पृथ्वी का हिस्सा है वो हमारा क्या है, लिथोस्फीयर है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या आता है, एस्थनोस्फीयर आता है। तो एस्थनोस्फीयर की थिकनेस क्या होगी, 200 किलोमीटर से 360 से 400 किलोमीटर के मध्य। ओके, और एस्थनोस्फीयर के बाद मेसोस्फीयर आता है, मध्यमंडल आता है। तो मध्यमंडल क्या है, 360 या 400 किलोमीटर, कहने का मतलब है एस्थनोस्फीयर से लेकर के जितना भी मेंटल वाला पोर्शन है वो हमारा मेसोस्फीयर मध्यमंडल है।
ठीक है। और मध्यमंडल के बाद जो हमारा कोर वाला पोर्शन होता है वो हमारा बैरोस्फीयर है, गंभीर मंडल है। ओके, तो ये जो लिथोस्फीयर है ना, ये जो लिथोस्फीयर है, कहने का मतलब है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे ही प्लेट का नाम दिया गया है। तो इसका मतलब है टूजो विल्सन ने जो प्लेट शब्द यूज किया है वो पृथ्वी के उस भाग के लिए यूज किया है जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया प्लेट क्या है। तो प्लेट लिथोस्फीयर है, मतलब जो स्थल मंडल जिसे आप कहते हैं वही हमारा प्लेट है। और ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, अपर मेंटल का मतलब है कि जैसे आप डिवीजन किए होंगे फिजिकल भौतिक विभाजन में, आपने अपर मेंटल पढ़ा होगा, लोअर मेंटल पढ़ा होगा। तो हम पूरे अपर मेंटल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिर्फ मेंटल के अपर भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम पूरे अपर मेंटल की बात कर रहे हैं। अरे भैया, हम तो सिर्फ उतने ही मेंटल वाले भाग की बात कर रहे हैं जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर पाया जाता है ना। इट मीन्स दैट 200 किलोमीटर के ऊपर का जो हमारा मेंटल वाला पोर्शन है वो यहाँ पे अपर मेंटल को डिनोट करता है। ठीक है, तो प्लेट शब्द जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं, स्थल मंडल के लिए यूज करते हैं, जिसमें आता है हमारा पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल वाला हिस्सा। इट मीन्स दैट आपके दिमाग में अब इमेजिनेशन हो चुका होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए ये हमारा पूरा पृथ्वी है, सपोज कीजिए हमारा पूरा पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी में जो ये लिथोस्फीयर वाला भाग होगा, ये लिथोस्फीयर वाला भाग है, ठीक है, यही हमारा क्या है, प्लेट है, यही हमारा क्या है, प्लेट है। और इसी के ऊपर जो है ओशियंस हैं, इसी के ऊपर कॉन्टिनेंट्स हैं, क्योंकि हमारा पूरा पृथ्वी जो है वो दो प्रकार के स्थलाकृतियों से घिरा हुआ है, या तो महाद्वीप है या तो महासागर है। अब महाद्वीपों पर अलग अलग स्थलाकृतियां हैं, महासागरों में अलग अलग स्थलाकृतियां हैं, वो तो अलग बात है। बट बड़े पैमाने पर देखा जाए तो हमारा पूरा जो पूरा जो प्लेट होगा वो किससे घिरा हुआ होगा, वो या तो महाद्वीप से ढका है या तो महासागर से ढका है। ठीक है, और इस प्लेट के नीचे जो लिथोस्फीयर स्थल मंडल है जिसे आप प्लेट कह रहे हैं, इसके नीचे क्या होगा, एस्थेनोस्फीयर होगा। इसके नीचे क्या, ध्रुवलता मंडल है। और ध्रुवलता मंडल के नीचे क्या है, मध्य मंडल। और इसके नीचे कौन सा आएगा, इसके नीचे आएगा बैरोस्फीयर या गंभीर मंडल। ओके, तो आपको प्लेट की थिकनेस भी क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि मैंने बताया कि लगभग जो प्लेट होता है वो पहले कहां से शुरू होता है, सरफेस से शुरू होता है और पूरा लिथोस्फीयर वाला पार्ट होता है। तो लिथोस्फीयर का मतलब 200 किलोमीटर के दूरी तक का होता है। बट चूंकि क्या होता है, ओशियन पर, ठीक है, जो क्रस्ट होता है उसकी मोटाई ओशियन में अलग होती है और कॉन्टिनेंट्स पर, महाद्वीपों पर अलग होती है, इसी कारण से थोड़ा सा डाइवर्सिटी आ जाता है। और इसी कारण से जो ओशनिक प्लेट होता है, अभी आपको विभाजन में बताएंगे कि ओशनिक प्लेट क्या होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होता है, मतलब महासागरीय प्लेट क्या होते हैं और महाद्वीपीय प्लेट क्या होते हैं, ये अभी हम आपको आगे थोड़ा सा बताते हैं। बट अभी आप समझिए कि जो ओशनिक प्लेट होता है ना, उनकी थिकनेस कम होती है, उनका थिकनेस जो है वो औसतन 0 से 100 किलोमीटर माना जाता है, मतलब 0 तो नहीं हो सकता है, बट सपोज कीजिए कि 0 से 100 किलोमीटर तक का उनका थिकनेस होता है। ये डाटा हम एनसीईआरटी से आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो आप रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी यूज कर सकते हैं। और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है वो लगभग क्या होता है, 200 किलोमीटर का थिकनेस होता है। अगर औसतन बात किया जाए तो 0 से 200 के बीच में क्या आएगा, 100। तो औसतन बात किया जाए तो इसका थिकनेस कितनी होगी, प्लेटों की जो मोटाई होगी कितनी होगी, 100 किलोमीटर होगी। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है कि इन प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ है, हमें क्या समझना है, प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पृथ्वी के उत्पत्ति के समय में ही पृथ्वी के लेयर्ड स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, पृथ्वी के परतदार संरचना का विकास होता है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे परतदार संरचना हमारी पृथ्वी का बना, ठीक है, तो उसी समय हमारा जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट था वो भी बना होगा, मतलब स्थल मंडल भी बना होगा, ये कह सकते हैं प्लेटों का निर्माण उसी समय हुआ होगा जो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, तो प्लेटों का निर्माण तो हुआ, लेकिन क्या आज के समय में ढेर सारे मेजर प्लेट पाए जाते हैं और कई माइनर प्लेट पाए जाते हैं, मतलब कई छोटे प्लेट और कई बड़े प्लेट पाए जाते हैं। तो क्या प्रारंभ से ही ये बड़े प्लेट और छोटे प्लेट हमारे पृथ्वी पर विराजमान है, मतलब आरंभ से ही क्या ये छोटे और बड़े प्लेट में विभाजित था हमारा पूरा प्लेट? नहीं, इनिशियली तो यही रहा होगा ना, कि जो हम इमेजिन तो कर ही सकते दिमाग में कि इनिशियली जो हमारा पृथ्वी का परतदार संरचना बना होगा तब तो पृथ्वी पर पूरा एक ही प्लेट इस प्रकार से रहा होगा। ठीक है, अब हम इस, देखो एक हिस्से को हम यहाँ पे दर्शाए हैं, सपोज कीजिए कि हमारा प्लेट ऐसे रहा होगा, फिर क्या होगा, पृथ्वी के जो मेंटल में, पृथ्वी के मेंटल में कुछ ऐसे स्थान है जहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, रेडियो धर्मी तत्व होते हैं, उनकी अधिकता है, जिनको हम
प्लेट टेक्टोनिक में हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। तो उन हॉटस्पॉट से क्या होता है, संवहनी तरंगे निकलती हैं। अब ये संवहनी तरंगे जो होंगी क्या करेंगी, प्लेटों को धक्का दे करके उससे बाहर निकलना चाहेंगी, तो प्लेटों को धक्का दे रही हैं, ठीक है। अब ये संवहनी तरंगे कॉन्टिन्यूसली निकल रही हैं और प्लेटों को धक्का दे रही हैं, तो धीरे धीरे प्लेट क्या होगा, डिफॉर्म होगा, कुछ इस प्रकार से डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और डिफॉर्म होने के बाद जब और फोर्स को ये नहीं सह पाएगा तो इसका क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, और ये ऊपर से पहले ब्रेक होगा फिर नीचे की ओर ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के बाद, ठीक है, ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद जो प्लेट एक होता था तो इनके ब्रेकिंग के कारण से बहुत सारे मेजर प्लेट का फॉर्मेशन हुआ और बहुत सारे माइनर प्लेटों का निर्माण हुआ, ओके। इसी कारण से आज हमारे पृथ्वी के सतह पर, आज हमारे पृथ्वी पर कई मेजर प्लेट पाए जाते हैं और माइनर प्लेट पाए जाते हैं, उनका भी डिस्कशन हम आगे करेंगे, ओके। चलिए अब हम प्लेटों का विभाजन कर लेते हैं और उन सभी बातों का डिस्कशन कर लेते हैं जिसको हमने आगे रिफर किया था, ठीक है। तो जो प्लेट होती है उसको आप दो प्रकार से बांट सकते हैं, वैसे तो आप कई प्रकार से बांट सकते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, बट हमने जो बांटा है ताकि आप आसानी से प्लेटों को समझ सकें, हमने दो प्रकार से बांटा है। पहला ऑक्युपेंसी के आधार पे, मतलब कि जैसे किसी प्लेट पर या तो क्या हो सकता है, जली भाग हो सकता है या महाद्वीपीय भाग हो सकता है। इट मीन्स दैट या तो उस पर लैंड स्थल वाला भाग होगा या तो उस पर जली भाग होगा। इट मीन्स दैट उस पर क्या होगा, ओशनिक वाला पार्ट होगा या कॉन्टिनेंटल पार्ट होगा। तो किस चीज का जो ऑक्युपेंसी है वो प्लेट पे अधिक है उसी के हिसाब से उस प्लेट का नाम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर किसी प्लेट पर महाद्वीपों की ऑक्युपेंसी अधिक है तो महाद्वीपीय प्लेट होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा, और अगर उस प्लेट पर ऑक्युपेंसी जो है वो ओशियन का अधिक है, महासागर का अधिक, तो महासागरीय प्लेट हो जाएगा। उसी आधार पर, साइज के आधार पर, तो हमने बताया जो पृथ्वी पर एक ही प्लेट हुआ करता था, फिर उसके क्या होंगे, ब्रेकिंग हुए, ब्रेकिंग होने के बाद कुछ प्लेट जो होंगे बड़े होंगे, कुछ उनसे छोटे होंगे, कुछ उनसे छोटे, कुछ बहुत छोटे होंगे, तो उनके साइज के आधार पर भी प्लेटों का विभाजन किया जा सकता है। तो जो बड़े प्लेटों का निर्माण हो, कहें क्यों, चूंकि जो हमारा संवहनी तरंग जिनसे प्लेटों का ब्रेकिंग हुआ वो हर जगह पे, तो ऐसा नहीं है कि इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे अवस्थित हैं, ठीक है। जिनसे प्लेटें जो होंगी वो एकदम समान आकार वाले टूटेंगी, तो ऐसे में प्लेट जो होंगे अलग अलग उनका साइज होगा, ठीक है। तो उनके साइज के आधार पे उनको अलग अलग विभाजित किया गया है, लेकिन जनरली उनको दो ही साइज में विभाजित किया गया है। जो मेजर प्लेट है उनको बड़ी प्लेट मतलब कहा गया, और जो माइनर प्लेट है मतलब छोटी प्लेट है, उनके जो साइज जिसके छोटे हैं उनको छोटे प्लेट कहा गया। तो आइए एक एक को सीखते हैं। तो ऑक्युपेंसी के आधार पर देखते हैं, तो ऑक्युपेंसी के आधार पर दो प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक होता है ओशनिक प्लेट और एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट, मतलब एक होता है महासागरी प्लेट और दूसरा होता है महाद्वीपी प्लेट, ठीक है। तो देखते हैं किस प्लेट को हम महाद्वीपी प्लेट कहेंगे और किस प्लेट को हम ओशनिक प्लेट या महासागरी प्लेट कहेंगे। तो आपको पता है कि किसी एक ही प्लेट पर ये दोनों भाग हो सकता है, कहने का मतलब सपोज कीजिए कि हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये लिथोस्फीयर स्थल मंडल है, ठीक है, और इसी स्थल मंडल को हम प्लेट कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये हमारा एक प्लेट का हिस्सा है और इसी प्लेट पर इतना दूर पे महाद्वीप है, इतना दूर पे महासागर है, तो एक ही प्लेट पर दोनों चीज हो सकता है, महाद्वीप भी हो सकता है, महासागर भी हो सकता है, बट उसका नाम क्या देंगे। तो कई बुकों ने तो उनको कह दिया है मिक्स्ड प्लेट, मतलब कि मिश्रित प्लेट है, लेकिन एक्चुअल में उनका नाम जो होता है ना वो इस आधार पर रखा जाता है। देखिए वर्ड से देखते हैं, थोड़ा शब्दों से देखते हैं। ए प्लेट में बी रिफर टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट, मतलब किसी प्लेट को हम महाद्वीपी प्लेट कहेंगे या महासागरी प्लेट कहेंगे, ये डिपेंड करता है किस बात पे, विच ऑफ द टू ऑक्युपाई ए लार्ज पोर्शन ऑफ द प्लेट, कि इन दोनों में से जो प्लेट का कब्जा, मतलब इन दोनों में से किसने प्लेट पे अधिक अपना अधिक्रमण किया या किसने प्लेट का अधिक हिस्सा ऑक्युपाई किया है, ठीक है। तो देखते हैं, सपोज कीजिए कि हमारा एक प्लेट है और इस पे जो है 75% पर महाद्वीप है और 25% पे महासागर है, तो इस प्लेट को आप क्या कहेंगे, महाद्वीपी प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे, महाद्वीपी प्लेट कहेंगे, क्योंकि महाद्वीपों की इस पे अधिकता है, ठीक है। वहीं दूसरी प्लेट है जिसपे मान लीजिए कि 30% जो है वो कॉन्टिनेंट्स है, महाद्वीप है, और 70% में क्या हो जाएगा, महासागर है, ठीक है, ओशियन है, तो उस प्लेट को क्या कहेंगे, ओशनिक प्लेट कहेंगे, ओके। तो इस आधार पे देखिए कि जो बड़े प्लेट हैं, ठीक है, जो बड़े प्लेट हैं, बड़े प्लेट कितने हैं, 6 हैं,
बड़े प्लेट आज 6 माने जाते हैं, तो उन 6 बड़े प्लेटों में कौन कौन से महाद्वीपीय प्लेट है, कौन कौन से महासागरीय प्लेट है हमने लिखा है। जैसे पैसिफिक प्लेट जो है, प्रशांत प्लेट है, ये हमारा क्या है, ओशनिक प्लेट, महासागरीय प्लेट है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत प्लेट अगर महासागरीय प्लेट है तो इस पे किसी प्रकार का महाद्वीप नहीं पाया जाएगा। इट मीन्स दैट इसके मेजर पार्ट पे क्या है, ओशियन है, महासागर है, इसलिए इसे महासागरीय प्लेट कहा जाता है। जैसे कि हवाई आइलैंड की बात करें, बहुत फेमस आइलैंड है, ठीक है, यूएसए का 50th स्टेट माना जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि जो हवाई आइलैंड है, ठीक है, ये भी तो हमारा किस पे है, पैसिफिक प्लेट पे है, ठीक है, बट ये महाद्वीपी भाग होने के बाद भी ये महासागरीय प्लेट है क्योंकि इसमें महासागरों की अधिकता है। इसी प्रकार से जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है या इंडियन प्लेट है, ये भी हमारा क्या है, इस पर भी हमारा महाद्वीप और महासागर दोनों पाया जाता है। चूंकि इसमें महासागरों की अधिकता है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, महासागरीय प्लेट कहा जाता है, ठीक है, मतलब ओशनिक प्लेट कहा जाता है। और वहीं पे जो यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, इन पर महाद्वीपों की अधिकता है, कॉन्टिनेंट्स की क्या है, मेजॉरिटी है, उस आधार पे इन्हें महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ नोट करके देख लेते हैं। नोट क्या है, देखिए इनके गुण होते हैं, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के कुछ अलग गुण भी हैं। इस आधार पे ही नहीं इनको विभाजन किया गया है कि जो महाद्वीपीय प्लेट होते हैं ये महासागरीय प्लेट होते हैं, ये इस आधार पर ही नहीं विभाजित किया गया है कि किसका ऑक्युपेंसी अधिक है, बल्कि इस आधार पर विभाजित किया गया कि इनके गुण भी अधिक हैं। जैसे जो महाद्वीपीय प्लेट होते हैं वो हल्के, ठीक है, वो लाइटर सेडिमेंटरी रॉक जैसे चट्टानों से बने होते हैं, मतलब कि जो औषधीय चट्टान होते हैं तो ये हल्के औषधीय चट्टानों से निर्मित होते हैं, ठीक है, और इसलिए क्या होते हैं, हल्के होते हैं। वहीं पे जो हमारा ओशनिक प्लेट होता है, महासागरीय प्लेट होता है, वो कैसे बने हैं, तो वो बेसाल्ट जैसे इग्नियस रॉक से बने हैं, मतलब बेसाल्ट जैसे हैवी इग्नियस रॉक से बने हैं, मतलब बेसाल्ट जैसे भारी अग्नि चट्टानों से बने हैं, और इसलिए महासागरीय प्लेट क्या होते हैं, भारी होते हैं। अब देखिए हमने थिकनेस की बात एक बार किया ही था कि जो महासागरीय प्लेट होते हैं भले ही क्यों ना ये थिकनेस इनकी कम होती है, इनकी मोटाई भले ही कम होती है, पर फिर भी ये भारी होते हैं क्योंकि ये भारी पदार्थ से बने हैं, बेसाल्ट जैसे भारी पदार्थ से बने हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट जिनकी थिकनेस अधिक होती है ओशनिक प्लेट की अपेक्षा, बट ये क्या होता है, ये हल्के, मतलब सॉरी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट होते हैं जो हल्के, ठीक है, औषधीय चट्टानों से बने होते हैं, सेडिमेंटरी रॉक से बने होते हैं, ओके। अब आते हैं एक और नोट पे, कुछ हमें इम्पोर्टेंट बात कर लेनी है ना जो आगे हमारी यूजफुल में, मतलब यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो प्लेट के जो मूवमेंट वाली, मतलब प्लेट की जो रेट ऑफ मूवमेंट होती है, गति की दर होती है, उसको हमें जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब दो प्लेटें आपस में कन्वर्जेंस होंगे, उनका जो अभिसरण होगा, तो आपको वहां डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कौन सी प्लेट नीचे जाएगी। आप जनरली क्या कह देते हो कि कोई महासागरीय प्लेट जो होगा, या महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट का जहां कन्वर्जेंस होगा, वहां महासागरीय प्लेट जो होती है वो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाएगी, ठीक है। बट सपोज कीजिए कि जहां पर दो महाद्वीपीय प्लेटों का कन्वर्जेंस हो रहा, वहां पर आप क्या बताएंगे, तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा ना कि किस आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि किस प्लेट, कौन सी प्लेट जो होगा नीचे जाएगा, ओके। बट यहां पे हम चूंकि महासागर और महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इन्हीं दोनों का डिस्कशन करेंगे। बट यहां से हमें एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा ना कि कौन सा प्लेट नीचे जाएगा जब दो सेम प्लेट होंगी। तो आइए प्लेटों की गति को हम समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के साथ। सपोज कीजिए कि एक ट्रेन और एक साइकिल दोनों सेम गति से मूव कर रही हैं, ठीक है, दोनों सेम स्पीड से, मतलब सेम वेग से गति कर रही, मूव कर रही हैं, ठीक है, और आपको कह दिया गया कि आप उनको रोकिए, तो आप किसको आसानी से रोक सकोगे, एक ट्रेन को या एक साइकिल को? ऑफकोर्स आप एक साइकिल को आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन ट्रेन को तो नहीं रोक पाएंगे ना। क्यों नहीं रोक पाएंगे? बिकॉज मोमेंटम के कारण, संवेग के कारण। संवेग क्या होता है? मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, ठीक है, मतलब द्रव्यमान और वेलोसिटी, मतलब चाल का गुणनफल होता है। तो जिसका मास अधिक है, आपने लॉ ऑफ इनर्सिया पढ़ा होगा, जड़त्व का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, न्यूटन के जड़त्व का सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो अपने मोशन वाले पोजीशन को बनाए रखना चाहती है, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट वाले पोजीशन को बनाए रखना चाहती है। बट वो अगर
कोई बॉडी जिसके पास मोमेंटम अधिक है वो आसानी से बनाए रख सकता है। कहने का मतलब अगर ट्रेन मूव कर रहा है तो उसको रोकने में आपको अधिक मेहनत करना होगा क्योंकि उसका मोमेंटम अधिक है। और मोमेंटम ऐसा नहीं, हमने कहा दोनों की वेलोसिटी सेम है, साइकिल और ट्रेन दोनों की वेलोसिटी सेम है, बट मास किसका अधिक है, ट्रेन का अधिक है, इसलिए आप ट्रेन को आसानी से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उसका मोमेंटम अधिक है, इसलिए अपने वो इनर्सिया को, अपने पोजीशन को आसानी से बनाए रख सकता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए अब कि यही इसी जगह पे आपका एक महासागरी प्लेट है, क्योंकि महासागरी प्लेट क्या है, भारी है, आपने ये पढ़ा महासागरी प्लेट क्या है, भारी है। वहीं पे महाद्वीपीय प्लेट क्या है, हल्का है, हल्का साइकिल की तरह और ये भारी ट्रेन की तरह। अब सोचिए कि जो भी रेजिस्टिंग फैक्टर हैं वो किसको आसानी से रोक सकते हैं, महाद्वीपीय प्लेट को या महासागरीय प्लेट को, तो बिल्कुल वो महाद्वीपीय प्लेट को आसानी से रोक सकते हैं। दूसरी बात, हमने थिकनेस में जब पढ़ा तो आपने देखा कि जो हमारा महासागर है उसकी थिकनेस क्या है, कम है, महाद्वीपों की थिकनेस अधिक है और महाद्वीपों पर उठे हुए स्थलाकृति पाई जाती हैं, जैसे माउंटेन्स हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, प्लेन्स हो गया, तो ऐसे विभिन्न स्थलाकृतियां पाई जाती हैं जिनके कारण से उनके रास्तों में जो हवाएं आदि सबका क्या होगा, रेजिस्टेंस प्रभावित करेगा इसको। तो इस कारण से जो महासागरी प्लेट है उसकी गति जो है, उसकी रेट ऑफ मूवमेंट जो है, गति का दर है वो अधिक है, वहीं पे महाद्वीपों के जो मूवमेंट का दर है, गति का जो दर है वो कम है। ठीक है, तो औसतन हम बात करते हैं हर चीज की। ठीक है, तो जो महासागरी प्लेट है उसकी जो रेट ऑफ मूवमेंट है, गति का जो दर है वो कितना है, औसतन 5 सेंटीमीटर पर साल। ठीक है, वहीं पे जो महाद्वीपीय प्लेट है उसके रेट ऑफ मूवमेंट क्या है, 2 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, तो चलिए फर्स्ट डिवीजन और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई। ठीक है, अब जो यहाँ पे बताई गई हैं उनसे आपको सीखना ही क्या है कि जैसे महाद्वीप और महासागरीय प्लेट है, महाद्वीप और महासागरीय प्लेट है, तो आपको अब पता हो गया कि मोमेंटम किसका अधिक होगा, महाद्वीपीय प्लेट का होगा कि महासागरीय प्लेट का होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर होगा कि महासागरीय प्लेट का मोमेंटम जो होगा, संवेग जो होगा वो अधिक होगा। तो जिसका संवेग अधिक होता है वो अपने पोजीशन को बनाए रखेगा और दूसरा जो होगा वो अपने पोजीशन को नहीं बनाए रख सकता है। तो सपोज कीजिए दोनों के टकराव होंगे तो क्या होगा कि जो हमारा महाद्वीपीय प्लेट होगा वो ऊपर की ओर उड़ जाएगा। ठीक है, और ऐसे में प्रतीत होगा कि हमारा नीचे इसके चला जाएगा। ठीक है, अब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट होंगे तो, दो महाद्वीपीय प्लेट होंगे तो क्या होगा, जब दो महाद्वीपीय प्लेट होंगे तो जिस महाद्वीपीय प्लेट का मोमेंटम अधिक होगा, मोमेंटम का मतलब सिर्फ दो एक ही चीज नहीं होता कि मास, मास और वेलोसिटी दोनों का गुणनफल अधिक होना चाहिए, क्योंकि जिसका दोनों का गुणनफल अधिक होगा वही अपने इनर्सिया को, वही अपने जड़त्व को बनाए रख सकता है। तो इट मीन्स दैट कि जिसका भी, ठीक है, जिसका भी क्या होगा, मोमेंटम संवेग अधिक होगा वो अपने पोजीशन को मेंटेन करेगा, बाकी दूसरा क्या होगा, टकराने के बाद उड़ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड डिवीजन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ठीक है, आकार के आधार पे, तो आकार के आधार पे प्लेटों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक मेजर प्लेट और दूसरा माइनर प्लेट, मतलब कि बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट। ठीक है, तो पहले इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि मॉर्गन महोदय ने 1968 में, अभी आगे आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो आप देखेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रतिपादित करने का श्रेय जो होता है, प्रतिपादित तो किया किसने, हैरी हेस ने किया, लेकिन उसकी वैज्ञानिक व्याख्या किसने किया, मॉर्गन ने किया। तो वैज्ञानिक व्याख्या के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया, मतलब उनकी नंबरिंग भी किया उनके आकार के आधार पे, साइज के आधार पे उनका नंबरिंग किया। ठीक है, तो इन्होंने, मॉर्गन महोदय ने बताया था कि 6 बड़ी प्लेट होती हैं और 20 छोटी प्लेट होती हैं, जिसका चर्चा सविंदर सिंह ने भी किया और वड़वाल जी ने किया, बट एनसीईआरटी मानता है कि 7 बड़ी प्लेटें होती हैं। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम आपको डिफरेंट चीजें बना के, मतलब डिफरेंट फैक्ट बता के आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, हम आपको बिल्कुल एकदम आसानी से इनसे बचने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो 7 बड़ी प्लेट बताया एनसीईआरटी ने। वहीं पर वाशिंगटन डीसी के जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट 1995 के अनुसार क्या था, 16 बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, और नासा के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 100 प्लेटों की कुल संख्या जो है वो 100 प्लेटों की कुल संख्या, मतलब इसमें मेजर प्लेट भी होंगी और माइनर प्लेट भी होंगी, तो नासा के रिपोर्ट के अनुसार 100 प्लेटें हैं, कुल मिला के 100 प्लेटें हैं। ठीक है, अब बसने का नियम देखते हैं हम। तो जब प्लेट शब्द आएगा तो आप पहले, ये तो है नहीं कि आपको लिखित रूप में लिखना पड़ेगा कहीं पर, जब लिखित रूप में लिखना होगा तो आप 6 ही लिखेंगे, बड़ी प्लेटों की संख्या क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब
ऑप्शनल आ गया, एमसीक्यू टाइप का आ गया, तब आप क्या करेंगे, अगर 6-7 दोनों है तो आप 6 पे टिक करेंगे, और अगर 6 नहीं तो 7 भी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वहीं पे छोटी प्लेटों की संख्या में आप 20 प्लस कर दीजिए, लिखने में आप 20 प्लस कर सकते हैं, और बाकी आपसे ये पूछेगा नहीं कि छोटी प्लेटों की संख्या कुल कितनी है। ओके, अब आगे कोई रिपोर्ट आएगा तो आप उसको ध्यान रखिएगा, वो आपका करंट न्यूज होगा। देखिए, छोटी प्लेटों में कुछ मुख्य प्लेटों की चर्चा हम करेंगे, बट आपको यहाँ पे क्या सीखना है, आपको यहाँ नजाका प्लेट के बारे में ध्यान रखना है कि जो नाजका प्लेट है, ठीक है, नाजका प्लेट है, तो नाजका प्लेट जो है वो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट प्लेट है, मतलब कि लघु प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, नाजका प्लेट। ओके, अब इसका लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं बड़ी प्लेटों के बारे में, बट पहले हम इसे देखेंगे। तो ये है आपके पूरे पृथ्वी का फिगर जो आपको 2D में दिखाया गया है। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी का फिगर है, और पूरे पृथ्वी पर इसी प्रकार से प्लेटें पाई जाती हैं जिनके ऊपर महाद्वीप और महासागर अवस्थित हैं। ठीक है, तो इट मींस दैट हर जगह पर प्लेट पाई जा रही हैं और प्लेटों के ऊपर ही महाद्वीप और महासागर अवस्थित हैं। तो आपको पहले हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं नाजका प्लेट। देखिए, नाजका प्लेट जो है कुछ यहाँ पे पाया जाता है, ये आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है। साउथ अमेरिकन प्लेट के जस्ट किधर पड़ेगा, ये आपका वेस्टर्न में पड़ेगा, पश्चिम में पड़ेगा। तो साउथ अमेरिका के पश्चिम में नाजका प्लेट है जो कि एक छोटी प्लेट है। ठीक है, इसी प्रकार से काकाकेस, ठीक है, सॉरी, इसे कोकोस पढ़ेंगे, तो कोकोस प्लेट जो है वो भी एक छोटा प्लेट है, उसका लोकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैरेबियन प्लेट पाया जाता है, ये भी एक छोटा प्लेट है। इसके साथ साथ यहाँ पे अरबियन प्लेट है, तो अरब से आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए फिलीपींस प्लेट है, तो यहाँ पे फिलीपींस है, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट प्लेट है यहाँ पे फ्यूजी प्लेट होगा जापान के आसपास। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा। यहाँ पे देखिए कैरोलिन प्लेट है, ये भी आपको याद रखना है, इसका लोकेशन क्या होगा, तो ये लोकेशन आप क्लियर रखिएगा, फिलीपींस के बगल में। ठीक है, मतलब बगल का मतलब है कि आपको क्या देखना है कि ये फिलीपींस प्लेट है, और फिलीपींस प्लेट के बाद ही ये हमारा कैरोलिन प्लेट है। ओके, उसके किधर पड़ेगा ये, तो उसके पूरब में पड़ेगा, ईस्ट में। ओके, अब आइए चर्चा करते हैं बड़े बड़े प्लेटों के बारे में। ठीक है, तो बड़े प्लेटों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो बड़ी प्लेट दिख रही है, ये देखिए बाउंड्रीज दिखा रहे हैं कि कौन सी प्रकार की बाउंड्री है, मतलब प्लेट किनारे, जैसे ये प्लेट है, सपोज कीजिए ये प्लेट है, तो इस प्लेट के चार किनारे होंगे ना, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो चारों किनारे पे जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार की सीमा पाई जाए। ठीक है, या एक ही प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाए, तो ये डिफरेंट है, उनके चर्चा हम आगे करेंगे, बट अभी आप समझिए कि बड़े प्लेटें जो हैं वो कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं। तो देखिए, ये जो हमारा प्लेट है पूरा, ये जो पूरा प्लेट है, ये हमारा पैसिफिक प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, ये हमारा पूरा प्लेट क्या है, प्रशांत प्लेट है। तो ये जो प्रशांत महासागर को पूरी तरह देखिए कवर कर रहा है। ठीक है, नजाका प्लेट के इधर लीजिएगा, ये नजाका प्लेट है, इसके इधर ये हमारा प्रशांत प्लेट है। ठीक है, लोकेशन क्लियर हो रहा है, प्रशांत प्लेट है। अब इसके इधर चलिएगा, ये हमारा प्रशांत प्लेट है। अब इधर आइए, अब प्रशांत प्लेट के बाद ये जो हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं अमेरिकन प्लेट। क्या कहेंगे, अमेरिकन प्लेट, बट इसमें अमेरिका तो आएगा। अब अमेरिकन प्लेट को भी कभी कभी एनसीईआरटी ने देखिए 7 क्यों कहा है, क्योंकि एनसीईआरटी ने अमेरिकन प्लेट को दो भाग में बांट दिया है, यहां से कैरेबियन प्लेट के पास से, ठीक है, इसको दो भाग में बांट दिया है, और इसको उत्तरी अमेरिकन प्लेट कह दिया, इसको दक्षिणी अमेरिकन प्लेट कहा है एनसीईआरटी ने। ठीक है, और अन्य बुकों में जैसे कि समिंदर सिंह ने और वड़वाल ने क्या किया कि इन दोनों प्लेटों को एक साथ अमेरिकन प्लेट का नाम दिया। तो हम एक साथ अगर देखें तो इस अमेरिकन प्लेट में क्या है, ये अटलांटिक ओशियन है, और अटलांटिक ओशियन का कौन सा भाग है, पश्चिम भाग है, तो अटलांटिक ओशियन भी इसमें आता है, मतलब कि अमेरिकन प्लेट में पश्चिमी अटलांटिक ओशियन भी आता है। अगर इनको अलग अलग देखेंगे तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट में, ठीक है, अटलांटिक ओशियन का कौन सा भाग आएगा, तो पहली बात पश्चिम है, और दूसरी बात नॉर्थ में, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट आएगा। वहीं पे अगर इसको साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ देखें तो साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ क्या आएगा, पहली बात पश्चिम में है, और दूसरी बात किधर है, तो ये साउथ में है, तो साउथ वेस्ट वाला पार्ट आएगा अटलांटिक ओशियन का हमारे साउथ अमेरिकन प्लेट में। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे आपका यूरेशिया है। ठीक है, मतलब यूरेशिया का मतलब एशिया और यूरोप एक साथ लिया गया है। ठीक है, और इस प्रशांत प्लेट के बाद ये वाला हिस्सा, और साथ ही साथ देखिए इधर, तो ये हमारा जो मिड अटलांटिक रिज जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लगाया गया बैरियर्स, तो यहां से लेकर के ये पूरा हिस्सा, और फिर ये इधर वाला जो हिस्सा होता है ना,
इसको हम क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट कहते हैं। तो समझ पा रहे होंगे यूरेशियन प्लेट क्या है। तो यूरेशियन प्लेट में पहली बात तो यूरोप और एशिया आता है, साथ ही साथ अटलांटिक ओशियन का जो हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, वो भी हमारा आता है। ठीक है, इसके नीचे देखिए तो ये आपका अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट को आप समझ पा रहे होंगे, ये आपका अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, तो अफ्रीकन प्लेट में क्या आता है, अफ्रीकन प्लेट आएगा साथ ही साथ आपके अटलांटिक ओशियन का जो साउथ ईस्ट वाला पोर्शन है वो भी आपका आ रहा है। ओके, अब आते हैं अंटार्कटिका प्लेट पे। तो ये जो प्लेट है हमारा नीचे जिसमें अंटार्कटिका महाद्वीप अवस्थित है, वो हमारा अंटार्कटिका प्लेट है। ठीक है, साथ ही साथ अब देखते हैं इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये देखिए यहाँ पे इंडिया है ना, ये देखिए एक प्लेट आ रहा है, मतलब ये हमारा एक बाउंड्री, एक सीमा है, प्लेट का एक किनारा है। तो ये देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से, ये हमारा जो हिस्सा है वो इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट का है। इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और हमारा इंडियन ओशियन आता है। ठीक है, और कभी कभी इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड का भी कुछ हिस्सा, मतलब न्यूजीलैंड भी इसी प्लेट पर अवस्थित है। ठीक है, तो बड़ी प्लेटों के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो बड़ी प्लेटों के बारे में आप देख लीजिए कितनी बड़ी प्लेट हुई, तो 6 हुई और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7 हुई, क्योंकि अमेरिकन प्लेट को दो भाग में बांट देता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो पहला प्लेट होगा पैसिफिक प्लेट, प्रशांत प्लेट। ठीक है, दूसरा प्लेट होगा हमारा अमेरिकन प्लेट। तो प्रशांत प्लेट पे क्या है, पूरा प्रशांत महासागर अवस्थित है। अमेरिकन प्लेट पे क्या आएगा, इंपॉर्टेंटली, ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से क्या आएगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। ठीक है, आपने देखा पूरी तरह से मैप में। अफ्रीकन प्लेट पे क्या आएगा, अफ्रीका, साउथ ईस्ट अटलांटिक ओशियन। यूरेशियन प्लेट पे क्या आएगा, यूरोप, एशिया और नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशियन। ओके, फिर आपने देखा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ओशियन। अंटार्कटिका प्लेट पे क्या देखा, अंटार्कटिका, पूरा महाद्वीप। ओके, और यहीं पे जो इंडियन प्लेट है वहां पे न्यूजीलैंड भी जोड़ सकते हैं आगे आप। तो दोस्तों, वीडियो का लेंथ लंबा होने की वजह से हम आज पूरे वीडियो में सिर्फ प्लेट के बारे में चर्चा कर पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक के बारे में चर्चा करेंगे, प्लेट विवर्तनी के बारे में चर्चा करेंगे और पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताएंगे, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत बताएंगे। तो पहले इसको सिद्धांतिक रूप से पढ़ेंगे और फिर बाद में उसका मैकेनिज्म देखेंगे। हम देखते हैं सिद्धांतिक रूप से, लोगों को सिद्धांत तो नहीं मिल पाता, सीधे मैकेनिज्म पे लोग आ जाते हैं, बट हम पूरा पहले सिद्धांत को समझेंगे अच्छे से और फिर मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें सबसे आगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट वॉचिंग एंड फॉर द कमेंट ऑल्सो। प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट होकर के और भी अच्छे तरीके से अपने वीडियोस को बना सकें। थैंक यू, ओके, बाय दोस्तों, सी यू।